मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो शख्स है, ये वो एक नाम है जिसने 2 साल पहले हिंदुस्तान की सत्ता को संभाला और लगभग 30 साल से अब तक गठबंधन की सरकारों के बाद ये एक ऐसा अवसर था जब पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने। उस समय चुनाव के अंदर इन्होंने एक बात कही कि अच्छे दिन आएंगे, यानी उनकी सरकार आती है तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ ऐसी उपलब्धियां थी जिसको सुनकर बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूर्वोत्तर के अंदर जब बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, वह पूर्ण बहुमत के साथ असम में सरकार बनाई और इस विश्वास और वादे के साथ बनाई कि पूर्वोत्तर के विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। कोलकाता के अंदर चुनाव भले ही हार गए, लेकिन कोलकाता के अंदर बीजेपी ने एंट्री दे दी। केरल के अंदर जहां बीजेपी का कोई आधार नहीं था, लेकिन वहां भी चुनाव के अंदर जीत हासिल कर ली, भले ही वो एक सीट की जीत थी। अब बात करते हैं जनधन योजनाएं जो सफलता की बात करते हैं, गैस सब्सिडी सुधार योजना, यमन में मिशन राहत, स्वच्छ भारत मिशन, म्यांमार में काउंटर टेरर अटैक यानी नागा उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए 18 भारतीय सैनिकों को मारने का बदला, भारतीय कमांडो ने सरहद पार जाकर लिया, 40 मिनट के ऑपरेशन में 38 नागा उग्रवादियों को खत्म किया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की नकेल डाली और सेना को पूरी छूट दी कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वे स्वतंत्र हैं, पठानकोट में इतनी शक्ति के बावजूद भी हमला कैसे हो गया, भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान 2 कदम भी क्यों नहीं चला। लेकिन नई मॉडिफाइड कदम की बात करते हैं तो नीति आयोग का गठन करना, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, FDI, बीमा पेंशन, स्टैंड अप इंडिया, नमामि गंगे, इंद्रधनुष, इतनी सारी चीजें शुरू की गई कि एक विश्वास लोगों का जगा है। एक चीज और मोदी के साथ में रही, मोदी सरकार में रही कि मोदी ने विदेशों में इतने दौरे करे कि भारत की छवि को इतना ऊपर पहुंचा दिया जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन जैसे शक्तिशाली देश भी भारत को एक सम्मान के साथ देखते हैं। जिस ब्रिटेन ने सदियों तक, वर्षों तक भारत के ऊपर एक तरीके से राज किया, उस ब्रिटेन की संसद में जाके नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया और ये एक देश के लिए गौरव की बात रही। मोदी ने एक सेल्फी को बढ़ावा दिया, सेल्फी लो, और अब ये ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई आदमी इस बात में लगा रहता है कि वो सेल्फी ले ले। अब देखते हैं मोदी के 3 साल किस तरफ लेके जाएंगे भारत को, क्या सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी सरकार का पूरा होगा, क्या अच्छे दिन आ पाएंगे। पत्रिका.com के लिए पुरुक्रम शर्मा।